हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राज वे बेस्किल में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को टैली प्राइम जीरो से लेके आपको हीरो तक मैं आपको बताऊंगा कि टैली प्राइम में सबसे पहले हम लोग टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करते हैं। बेसिकली देखिए, टैली प्राइम होता क्या है। टैली प्राइम टैली ERP 9 का ही एक लेटेस्ट अपडेट जो आया है, उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम लोग टैली प्राइम को कैसे इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके बाद टैली प्राइम में कैसे कंपनी को क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद टैली प्राइम में कंपनी को कैसे अल्टर करते हैं, कैसे सॉर्ट करते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो आएगा, आपको उसको कंटिन्यू देखना है। समझ जाइए, एक तौर पे ये टैली प्राइम का एक कोर्सेज है, ठीक है। तो आपको इसको स्टेप बाय स्टेप ही समझना है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही बताऊंगा कि टैली प्राइम को सबसे पहले इंस्टॉल कैसे करना है। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि टैली प्राइम को कैसे इंस्टॉल करना है। तो देखिए, टैली प्राइम को इंस्टॉल करने के लिए सिंपल, आपको अपने मोबाइल या फिर मोबाइल में कंफर्टेबल नहीं होता है, आपको अपने लैपटॉप के क्रोम को ओपन करना है, ठीक है। और लैपटॉप के क्रोम को ओपन करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है tallysolutions.com। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, tallysolution.com। देखिए, यहाँ पे मैंने टी लिखा, ऑलरेडी पहले से मैंने लिखा हुआ था इसलिए यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपको इंटर प्रेस करना है। जैसे ही इंटर प्रेस कीजिएगा तो ये देखिए, टैली का जो है ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गया। अभी देखिए, टैली पहले कुछ दिन पहले 4.1 चल रहा था, मैंने भी टैली प्राइम का 5.0 लेटेस्ट ही अपडेट को मैंने इंस्टॉल कर लिया हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो ये देखिए, टैली प्राइम का अभी जो न्यू जो लोगो रिलॉन्च हुआ है वो ऐसे कुछ है, ठीक है। और टैली प्राइम जो है लेटेस्ट अपडेट हुआ है, 5.0 अभी चल रहा है, ठीक है। इसमें क्या क्या फैसिलिटी है, लाइटनिंग, फास्ट GST अपलोड्स, वन क्लिक GST रिकॉन्सिलेशन, 100% कंट्रोल ऑन ITC रिस्क, ऑटोमेटेड लेजर क्रिएशन। ये ऑटोमेटेड लेजर इसमें क्रिएट कर सकते हैं, ये सारा मतलब फीचर इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपल यहाँ पर देखिए, डाउनलोड का एक बाय नाउ है, एक डाउनलोड है। तो आपको सिंपल बाय नहीं करना है, क्योंकि आप सीखने के पर्पस से इसको क्या कर रहे हैं, टैली को डाउनलोड कर रहे हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए। आपको सिंपल क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा तो बेसिकली यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेगा, एक टैली प्राइम एडिट लॉग, रिलेशन जो है यहाँ पे 5.0 मतलब लेटेस्ट सब्जेक्ट है, ये एडिट लॉग मोड में है, और ये टैली प्राइम 5.0 ये एडिट लॉग में नहीं है। तो आपको इसको नहीं इंस्टॉल करना है, आपको सिर्फ इसको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। उससे पहले हम लोग नोट में यहाँ पे जो लिखा है उसको समझ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखिए, सपोर्ट्स विंडोज 7 और लेटर 64 बिट्स। ये क्या करेगा, विंडोज 7 और लेटर मतलब विंडोज 7 और विंडोज 7 से ज़्यादा जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा टैली प्राइम 5.0। एंड ये 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करेगा, 64-bit प्रोसेसर, नो मोर ऑन रिकमेंडेड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हियर। मतलब ये 64-bit का ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होना चाहिए, और विंडोज 7 या तो होना चाहिए, नहीं तो विंडोज 7 से ज़्यादा भी है उसको भी ये टैली प्राइम 5.0 ये सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ से इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायरमेंट है टैली प्राइम 5.0 को इंस्टॉल करने के लिए। आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हेयर है, यहाँ पे आपको हेयर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। हेयर पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ जितने भी रिक्वायरमेंट जो चीज़ है जितना चाहिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए, 1.8 GHz 64-bit आर्किटेक्चर प्रोसेसर, ठीक है। इतना GHz होना चाहिए और 64-bit आर्किटेक्चर प्रोसेसर होना चाहिए, ठीक है। और इसमें कोर 2 DU ड्यूअल कोर, कोर i3, कोर i5, कोर i7 इक्विवेलेंट और एबव, मतलब इतना कोर i5 ही होगा तो भी सपोर्ट करेगा, कोर i3 होगा तो भी सपोर्ट करेगा।
और आप में आपके सिस्टम में रैम 4 GB और उससे ज़्यादा होना चाहिए। हार्ड डिस्क में 150 MB फ्री स्पेस टू इंस्टॉल द एप्लीकेशन, ठीक है। मॉनिटर रिजोल्यूशन इतना है, बेसिकली इससे भी जो कम होता है उसको भी सपोर्ट कर लेता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होना चाहिए, 64 बिट एडिशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 होना चाहिए, ठीक है। और अदर एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर 64 बिट्स एडिशन ऑफ एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर सच एज एक्सेल वर्ड एंड सो ऑन, मतलब 64 बिट एडिशन होना चाहिए एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर का, ठीक है। लाइक एमएस एक्सेल वर्ड एंड सो ऑन, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग सपोर्ट समझ लिए, और हम लोग ये भी समझ लिए कि इसमें क्या क्या मतलब रिक्वायरमेंट होना चाहिए इंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से भी डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पे जो रिलॉन्च, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। आपको कभी भी इसको इंस्टॉल नहीं करना है, इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। क्योंकि आप एजुकेशनल पर्पस से आप इसको टेली प्राइम पे प्रैक्टिस कीजिएगा, इसलिए आपको टेली प्राइम 5.0 वर्जन वाले इसको इंस्टॉल करना है। ये जो वर्जन है ये हमेशा अपडेट होते रहता है, ठीक है। ये अभी 5.0 है तो 5.1 भी हो जाएगा, 5.2 भी हो जाएगा, ऐसे भी अपडेट होता रहता है। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड इसको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉल आपको नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे इंस्टॉल करके सेटिंग वोटिंग होता है वो सब, आप अलग सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किए होंगे तो आपको समझ में आता है कि कैसे इंस्टॉल करना। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। अभी तो था टेली प्राइम को कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं, ये समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि टेली प्राइम में इंस्टॉलेशन करने के बाद, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आप जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि टेली प्राइम में कैसे कंपनी को क्रिएट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।